हम सब आज एकत्रित हुए हैं तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के बाद मात्र दो शब्दों पर विचार करना है। एक दो शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे समझना अनिवार्य है। एक शब्द है भाग्य और दूसरा शब्द है सौभाग्य। भाग्य की श्रेणी में जितनी वस्तुएं आती हैं, उसकी अपेक्षा सौभाग्य की कतार बहुत अल्पतम हुआ करती है। भाग्य की श्रेणी में तो बहुत वस्तुएं आती हैं, किंतु बंधु सौभाग्य की कतार में अल्प वस्तुएं आती हैं। जैसे हम सबका जैन कुल में जन्म हुआ था, ये हम सबका भाग्य था। हम सबका जैन कुल में जन्म हुआ था, ये हम सबका भाग्य था। पूर्व प्रयाग का पुण्य था, भाग्य था। लेकिन विचार करना, भाग्य तो सबका था। इस सभा में जितने लोग बैठे हैं और जिन जिन लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया, सबका अपना अपना भाग्य था कि उन्हें जैन कुलों में जन्म लिया। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के बाद कितने लोगों का सौभाग्य है कि वो जैन कुलाचार का पालन करती है। विचार कर लेना, इस सभा में बैठे हुए लोग, इनका भाग्य था कि जैन कुल में जन्म लिया। लेकिन जैन कुलाचार का पालन करने लोगों में से कितने करते हैं? भगवान की पूजा, पानी को छान कर पीना, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, बताइए इतने लोगों में से किसका सौभाग्य है? भाग्य में तो बहुत वस्तुएं हैं बंधु, लेकिन सौभाग्य जीवन में भले ही निकट भक्त जीव को प्राप्त होते हैं। जैन कुल में जन्म लेना भाग्य है, तो जैन कुलाचार का पालन करना सौभाग्य है। संपत्ति बंधु भाग्य है, संपत्ति बंधु भाग्य है, तो दान सौभाग्य है। संपत्ति किसके पास नहीं है? हर व्यक्ति के पास वैभव, दौलत, धन, संपदा, लक्ष्मी है, पूर्णकृत पुण्य के उदय से। लेकिन दान का जब समय आता है, दान के जब निमित्त मिलते हैं, किन लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है? यदि धन भाग्य है तो दान सौभाग्य है। रूप भाग्य है, सबको रूप मिला,
किसी को सुंदर, किसी को सांवला, किसी के भीजा सच्चे हैं, किसी का भेज भेज कटच्चे हैं, कोई लंबा है तो कोई मोटा है, कोई नाटा है, सबके अपने अपने रूप हैं, सबके अपने भाग्य से सदाचार अल्पतम व्यक्तियों के पास है, बंधु स्वास्थ्य भाग्य है तो परमार्थ सौभाग्य। सबकी काया सुंदर है, सबको स्वस्थ शरीर मिला पूर्वतम कर्म के विपाक से, लेकिन अपने शरीर से उस परमार्थ को सिद्ध करने के लिए इस भवन में जितने लोग बैठे हैं उनकी अपेक्षा से इस मंच पर और एक सफेद साड़ी पहनने वाली स्वस्थ मिलने के बाद भी परमार्थ के लिए अपने शरीर को लगा दिया, आत्मा से कर्म रूपी कीटिया का नाश करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, परमार्थ के लिए पहले ही आत्माओं ने अपना शरीर लगाया। बंधु मनोरंजन के साधन मिलना भाग्य है तो मनोमंथन का निमित्त मिलना सौभाग्य। मनोरंजन के साधन तन रंजन का निमित्त, मनोरंजन के साधन तो डगर डगर पग पग पर मिल जाएंगे, लेकिन मनोमंथन आत्मरंजन के साधन बिरले ही लोगों को मिलते। इस सभा में नाना समाज से लोग आए हैं, नाना गांव से लोग आए हैं, सब गांव वासियों के पास, नगर वासियों के पास भोग और भोग की वस्तुएं मनोरंजन के साधन तो उनके पुण्य भाग से मिल गया, लेकिन मनोमंथन आत्मरंजन के लिए पुरुषार्थ कितने लोगों ने किया और कितना सागर परवर्षी और चलते फिरते सिद्धालय आपके नगर में आकर बस गया। मनोमंथन के साधन बिरले ही आत्माओं को बनते हैं। मुझे आज कहना है भोग भोग की वस्तुएं तो मिल जाती हैं, लेकिन मनोमंथन के साधन जहां आत्मा रूपी नंदनवन में विचरण करने वाले साधु परमेश्वरियों का आपको मात्र चरण चक्षुओं से दर्शन हो रहा है, मुनि मुद्रा का चरण चक्षुओं से दर्शन एक क्षण के लिए भी जीवन में प्राप्त हो जाता है बंधु, जो हमारी आत्मा में चिपके हुए अनंत कालीन उन कर्मों को नाश करने में नित्य कारण मिल जाते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें मुनियों के मुख से भगवान की वाणी सुनने को उस वाणी को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो कहता हूं मात्र जिसे चरम चक्षुओं से इन सारे दुखों का अंत करके उस सिद्धांत दशा को प्राप्त कर लेता। नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संत समागम संत सानिध्य का क्या महत्व होता है, किसके मन में जिज्ञासा हुई, नारद मुनिराज के मन में जिज्ञासा हुई कि संत समागम और संत सानिध्य का क्या महत्व होता है। जब नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो इसका समाधान करने वो एक वीतनागी निर्ग्रंथ श्रवण के चरणों में पहुंच जाते हैं और साधु परमेश जी से कहते हैं कि भगवान संत समागम गुरु दर्शन और सत्संगति का क्या महत्व होता। वो फल एक आम वृक्ष पर जिस जीव के पास इंद्रियों की पूर्णता का अभाव, जो विवेकी है, जो चक्षु इंद्रिय है जिसके पास अंतिम, एक ऐसा फला उस आम वृक्ष की प्रथम शाखा पर बैठा हुआ है, उस फौरे से जाकर तो गुरु दर्शन संत समागम
संत सानिध्य को पूछना तेरी जिज्ञासा समाप्त हो जाए। नारद मुनि को लगा मैंने महाप्रति श्रमणवीत नागी मुनिराज से गुरु दर्शन संत समागम संत सानिध्य का महत्व पूछने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की थी। न जाने लंबी साधना वर्षों से उपवास एकासन नीरस भोजन के कारण शायद थोड़ा इनका एक क्षण के लिए मन में विचार आया कहीं खसक तो नहीं गया। लेकिन जो नारद निराश थे उसे देव शास्त्रों पर आत्मसंधान था। अपने प्रणामों का तुरंत पश्चाताप किया। गुरु ने कहा तो मेरी जिज्ञासा का समाधान बस भाड़े के निमित्त से होगा। और नारद निराश नारायण 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 करते पलक झपकते प्रमाण उस भाड़े के पास पहुंच जाती है। वो ही निश्चित स्थान हूबहू स्थान पर शाम वृक्ष की प्रथम शाखा पर उसी अवस्था में भरा दिखा मिला। जैसे नारद मुनि ने उस भाड़ी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी कि संत समागम संत सानिध्य गुरु दर्शन का क्या महत्व है। नारद मुनि की पाणी पर विराम लगा और कहते उस भाड़े का जीवन समाप्त हो गया। वो वृक्ष की शाखा से जमीन पर धराशायी हो गया। नारद का मन एक क्षण के लिए मलिन हो गया। मैंने तो इस भाड़े से अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत किया था और मेरी वाणी को ही सुनकर इसका जीवन का अंत आ गया। नारद का मन मलिन हो गया और कहते हैं नारद ने अपनी उस जिज्ञासा को वही विराम दिया और नारद मुनि तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। लंबी कालावधि हुई थी तो होने के बाद पुनः वो जिज्ञासा उनके आत्मा पर उनके भावों में उत्पन्न हुई और साधु प्रविष्टि के पास मिला पहुंच गई। भगवत आपने कहा था उस बारे से प्रश्न पूछ लेना उसके तो जीवन का ही अंत हो गया। कृपया करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। गुरु दर्शन संत समागम संगति का क्या महत्व है। मुनिराज ने कहा हे नारद इस बार तुझे मानसोत्तर पर्वत नहीं जाना। इस पल में मात्र छह कोस दूर पर अभी अभी एक हिरणी ने एक सावाक को जन्म दिया था। उस सावाक से अपनी जिज्ञासा का समाधान नारायण उस हिरण के पास पहुंचते हैं और जैसे ही अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं और वो नवजात शिशु हिरण का बच्चा जैसे ही नारद मुनि से गुरु दर्शन सत्संगति का महत्व सुनता है उसके भी प्राण पखेरु उसके तन से उड़ जाते। नारद का तो राम राम दुखी हो जाता है। इस बार तो नारद मुनि तीर्थराज संवेद शिखर की यात्रा पर निकल जाते हैं। तीर्थराज संवेद शिखर की यात्रा के बाद पुनः गमन करते करते नारद मुनि एक राजा की नगरी में राजा के पास जा रहे थे। साधु परमेश्वर का समागम हो गया। पुनः वही जिज्ञासा। गुरु ने कहा इस बार तुझे छह कोस दूर नहीं जाना। इस नगर में एक कृषक रहता है। उस कृषक के आंगन में गाय है। उस गाय ने अभी एक नवजात बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े से तू अपनी जिज्ञासा को पोष लेना। तेरी जिज्ञासा का तुझे समाधान मिल जाएगा। जैसे नारद मुनि उस शून्य मकान में कृषक के यहां पहुंचते हैं और कहते हैं गाय के बछड़े के सामने जैसे ही नारद मुनि ने प्रश्न रखा गाय का बछड़ा काली मरा हो गया। नारद मुनि को एक क्षण के लिए कष्ट आ गया और नारद मुनि उस धरा पर धराशायी हो गए।
जैसे ही ऊंचा दूर हुई नारद मुनि वहां से जादो ग्यारह हो गए। हे भगवान, मेरे माथे पर गौ हत्या का कलंक ना लग जाए। न मुनिराज के निकट गए, न नगर में गए, नारद मुनिराज तो नारायण नारायण करते कोसों कोसों दूर चले गए। लेकिन बंधु, यदि मन में विकल्प की तुच्छ भांस यदि एक बार चुभ जाती है, जब तक वो भांस सालती रहती है, जिज्ञासा मन में एक बार उत्पन्न हो जाए, उस जिज्ञासा का समाधान ना मिले, तो जैसे शरीर में भांस या काटा लगने पर वो सालता रहता है, पीड़ित करता रहता है, आहत करता रहता है, तो नारद के मन में गुरु दर्शन संत समागम संत सारथी जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी उसका समाधान नहीं हुआ, तो फांस की तरह सारता रहा। कहते हैं नौ माह व्यतीत होने के बाद पुनः वही निद्रा की संत का समागम हो जाता है। इस बार तो नारद मुनि साधु परमेश आपको मेरी जिज्ञासा का समाधान करना होगा। जब तक मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा, तब तक मेरा शीश आपके चरणों से नहीं हटेगा। साधु परमेश्वर ने कहा, नारद, यदि तुझे मेरे बचपन बचनों पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो एक काम कर, अमुक नगर में अमुक राज में एक ऐसा राजा था जिसकी सैकड़ों जीवन साथियां थी। उन सैकड़ों जीवन साथियों में 99% जीवन साथी तो बाढ़ थी, लेकिन राजा के अंतिम तीसरे पहर में एक जीवन साथी ने गर्भ धारण किया है। और गर्भ धारण करने के बाद अभी अभी एक दो दिन पूर्व उस नानी की कोख से नवजात पुत्र की उत्पत्ति हुई। तुम जा, तेरे प्रश्न का समाधान तुझे मिल जाएगा। नारद मुनि का शरीर ऊपर से लेकर नीचे था, नख से लेकर ईस था, जैसे कि साधु महाराज के मुख से सुना कि नवजात राजकुमार से तेरे प्रश्न का तुझे समाधान मिल जाएगा। नारद का शरीर कंपित होने लगा, भृत्य की लाठी की तरह। भगवान, क्या मैंने पूर्व पर्याय में आपका कुछ बिगाड़ा था जिस पर आज आप उतारू? ऐसा भाव नारद के मन में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो भाव मन का भाव मन में रहा, वचनों से प्रस्तुत नहीं हुआ। लेकिन नारद को विश्वास था, सम्यक दृष्टि जी वो हुआ करता है जिसे देश शास्त्र पर अकाट श्रद्धा रहता था रहता है। नारद मुनि नारद उन महापुरुषों में से होते हैं, फलावरों में से होते हैं, और उसे देव शास्त्रों पर अकाट श्रद्धा था, मन में भय था, लेकिन गुरु पर विश्वास था कि मुझे मेरी शंका का समाधान होगा, जिज्ञासा मेरी शांत होगी। गुरु ने कहा, इस बार तू भयभीत नहीं होना, मेरा आशीष तेरे साथ है, तेरी जिज्ञासा का समाधान होगा और तेरे विकल्प की उस तुच्छ भांस भी तेरे मन से सदा सदा के लिए निकल जाएगी। मरता क्या ना करता, वही हाल नारद मुनिराज के सामने उपस्थित खड़ा हो गया। एक तरफ दिगंबर मुद्रा पर गुरु पर विश्वास, एक तरफ भय संज्ञा की उदीर्णा, लेकिन भय को नारद ने गाण कर दिया और रणवास की ओर उसने गमन कर दिया। जहां रानी ने प्रसूति गृह में उस नवजात शिशु को जन्म दिया था,
नारद मुनि एक ऐसे राज हैं कि राजा के महल में राजा के बिना आज्ञा के वनवास में भी प्रवेश कर सकते हैं। सो नारद मुनि डरते डरते रणवास की ओर जा रहे थे। राजा भी अपने नवजात शिशु का मुख देखने के लिए जा रहा था। नारद मुनि को देखकर आवाज करता है और नारद मुनि को नवजात शिशु को दिखाता है। नारद मुनि मन में तो भय था, काश मेरी जिज्ञासा सुन के जो किए का हाल हुआ भरेगा, हिरण का हाल हुआ, गाय के नवजात शिशु का हाल हुआ, कहां से राजकुमार के साथ ऐसा हो गया। तो हे नारद, तेरा तन सुरक्षित स्वर्णवास से बाहर नहीं जाएगा। यदि मेरी जिज्ञासा सुनकर इस राजकुमार के शरीर से आत्मा गति से गंतव्य चली जाएगी तो सारे द्वारपाल मेरे शरीर से मेरी गर्दन को बसना पर समर्पित कर। नारद को भय था लेकिन अपने चलते मिलते भगवान श्रद्धा के देवता आस्था के केंद्र बिंदु गुरु महाराज पर अटूट श्रद्धा था। नारद ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और जैसे ही राजकुमार के सामने जिज्ञासा पुस्तक की, हे राजकुमार, गुरु दर्शन सत्संगति संत साहित्य का क्या महत्व होता है। कहते हैं नवजात शिशु 9-10 महीने तक बोलते नहीं है, वो नवजात शिशु खिलखिलाकर हंस रहा और कहा, भगवान आप गुरु दर्शन सत्संगति संत समागम का रहस्य जानना चाहते हैं। हे भगवान, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा, आपकी मुद्रा का दर्शन आपने उस भय की अवस्था में मुझे दिया, मात्र मैंने चार चक्षुओं से आपकी मुद्रा का दर्शन किया, मेरी चार इंद्रियों से इंद्रियों की पूर्णता का विकास हुआ और मैं हृदय की पर्याय में चला गया और हृदय की पर्याय में आकर आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे साथी से पुण्य का हो गया कि मैं त्रियंच गति में वो परम पावन वो प्राणी पवित्र पशु माँ तो 9-10 माह दूध पिलाती है, जब तक इस तन में सांस रहती है वो गौ माता हमें जीवन पर्यंत दूध पिलाती है, उस गौ की योनि में मुझे भेज दिया और जब वहां आकर आपने दर्शन दिया मेरा सत्य से पुण्य का हो गया, त्रियंच पर्याय से मेरा उत्थान हुआ और मैंने नर पर्याय में भी सामान्य व्यक्ति के यहां नहीं एक राजा के यहां मेरा जन्म हुआ। भगवान तुम तो जान गए होगे संत समागम और गुरु दर्शन का क्या महत्व। मुझे आराम वालों से कहना है, आपके प्रति तो चिंतित वो परम पवित्र आत्मा है जो यहां से कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और इस कलिकाल के सर्वज्ञ हैं। आराम वालों के लिए गुरु दर्शन का ही सौभाग्य दिया, भगवान की वाणी सुनने का ही सौभाग्य दिया, ये आपका भाग्य नहीं आपका सौभाग्य था। ये आराम और गुना जिले में मात्र गुना तहसील और गुना कस्बे में दो स्थान ऐसे हैं जिनका भाग्य के साथ सौभाग्य है। एक जिला में और एक तहसील में दोनों चले दोनों मुनिराज हैं, दो दो मुनिराज। ये आरोन वालों का पुण्य था, निमित्त मिला बरसा बास का,
सो आप लोगों को वर्षा मास का सौभाग्य मिला। चैत्र मास शायद तुम्हारे पुण्य से मिला। साधु परिष्ठ जी जानती है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो सारी धरा जीवों का योनि स्थान बन जाता है। यह सूक्ष्म सूक्ष्म जीव उत्पन्न होती रहती है और गमनागमन के निमित्त से उन जीवों की हत्या होती है। साधक अहिंसा धर्म की उपासना करता है, इससे वो चार महीने तक के लिए एक स्थान पर रुक जाता है। तो यहाँ हम लोग गुरुदेव की अनुकंपा से आपके आरोह में स्थापना की। इस स्थापना की भक्ति तो चतुर्दशी के दिन गौरव महाराज ने पढ़ी थी या गुरु पूर्णिमा के दिन पढ़ी थी और उपवास का संकल्प कर लिया था। काश कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाती है तो हम अपनी समय सीमा निर्धारित करते हैं। इस वर्षा काल में भी क्षेत्र भगवान की आज्ञा है। अकाल महामारी या कोई संपात का निमित्त बनता है तो वर्षा योग में भी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा साधु गमन कर सकता है। यह जहां मेघ की सीमा लेते हैं वहां राधा की सीमा लेते हैं और यहाँ किसकी सीमा लेते हैं है? सिरोंज तो बहुत दूर है, आनंद बोर लेटेरी सीमा को स्वीकार करती है। बस मुझे यही कहना है गुरु अनुकंपा के मेघ आप पर्वत से हैं तो सब लोग अपने सौभाग्य को जगाना। एक सौभाग्य प्राणी मात्र के लिए आरोहण वाला को मिला है इन साधिका माँ के निमित्त से। इन साधिका माँ की ऐसी व्यवस्था कर देना इस चातुर्मास में। गुरुदेव ने जिस स्थान को पास किया है अरहनाथ भगवान की सीधी ऊर्जा इन साधिकाओं को जहां मिले दिन में एक बार नहीं जब रात में भी मन हो जाए तो भगवान के दरबार में आ जाए। उस स्थान पर जल्दी बना लेना। धन तो सबके पास पुण्य से मिला था लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त कर लेना इनकी साधना स्थली बनवाने में एक एक लोक सेवकी हो जाना। और हो सकता है हम लोगों का करुणा हो पाए अरे साधिकाएं उस आश्रम में आ जाए। आचार्य महाराज की दृष्टि में आराम सदा सदा के लिए स्थायी हो जाएगा। आराम स्थायी नहीं होगा। आराम में वास करने वाली आत्माओं का गुरुदेव के हृदय में स्थान हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं एक कार्य आराम समय में पूरी संपूर्ण समय में एकता के साथ समान भाव के साथ भक्ति के लाल में रखकर सबने उत्साह खातर किया। दूसरा आचार्य विद्यासागर महाराज का जब कालांतर में जब वह दुखमा सुखमा काल होगा इस धरा पर समझ लगेगा तो आराम का एक एक आत्मा आचार्य विद्यासागर महाराज के समझ जैसे अर्जुन को वृक्ष पर काली मिर्ची दिख रही थी ऐसे ही आराम वालों को जब छोटे मंदिर की धर्मशाला से भाषण भगवान की धर्मशाला में ना जाए जब तक सारी समाज संकल्प कर लेना तन से मन से और धन से और आज अपनी एक ऐसी वस्तु का त्याग कर देना। संकल्प शक्ति में तो वो ताकत होती है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ और मजबूत हो तो देवता भी मजबूत हो जाते हैं तुम्हारे संकल्प की रक्षा करने के लिए। अपने संकल्प को मजबूत करना
यदि संकल्प तुम्हारा कर्म आएगा तो देवता भी मजबूर हो जाएंगे तुम शक्ति प्राप्त करने के लिए। आप सबके अंतर्ग में वो सहज ललन उमंग और शक्ति प्राप्त हो गुरुदेव का सपना पूरा करने का इन्हें सौभावनाओं के साथ आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।